साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी दोगुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है, कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर के पहले के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। भाई और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की।
लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है, इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं, वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बीते वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नीव इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज यहां असम के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का अभियान भी शुरू हुआ है। इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, उनके पैसे बचने वाले हैं।